आइए एक बार फिर से हम क्या बोलते हैं फिक्स बीम पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जिसमें जो लोड है ना वो कैसा दोस्त, एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक मतलब बीच में नहीं लगा हुआ है, उससे आपका देखो इधर से आपका 6 मीटर दूरी पर है, उधर से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। बीम की टोटल लंबाई कितनी है बाबू, बीम की जो टोटल लंबाई एल है वो कितनी है, 9 मीटर, ठीक है। और उस पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जो W है वो कितना है, 9 किलो न्यूटन। तो इस बीम का हमें क्या करना है, SFD और BMD ड्रा करना है, क्या करना है, SFD और BMD ड्रा करना है, ठीक है। एक बार और मैं बताते हैं आपको चलूँ, जो फिक्स बीम होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन बीम भी बोला जाता है, या इनकेस्टर बीम के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इनकेस्टर बीम के नाम से भी जाना जाता है, इनकेस्टर बीम के नाम से भी हम क्या करते हैं, फिक्स बीम को जानते हैं, या बिल्ट इन कहते हैं, बिल्ट इन बीम भी बोला जाता है इसको। तो भी आप भूलिएगा नहीं, कभी क्वेश्चन में दे दे तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, सीखते हैं किस तरह से SFD और BMD हम ड्रा करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए ये मिटा देते हैं। हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे बीम क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो हम जानते हैं ऊपर से जब लोड लग रहा होगा तो इस बीम में क्या हो रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन भी लग रहा होगा, RA और RB। अच्छा, ऐसे चूंकि फिक्स है इसलिए इधर की तरफ आपका ऐसे और ऐसे बी पॉइंट पे दो मोमेंट भी उत्पन्न हो रहे होंगे, MA एंड MB, ठीक है दोस्त। अच्छा, हम देख रहे हैं जो लोड लगा हुआ है बी पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर है और ए पॉइंट से 6 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब एक बात श्योर है, क्या, कि बी पॉइंट की तरफ जो आपका बेंड, जो बीम बेंड करेगी वो ज़्यादा करेगी, यानी बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा MB होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, MA से। क्यों, कोई कहेगा क्यों, क्योंकि आपका 6 मीटर अधिक है किससे, 3 मीटर से, इसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। 3 मीटर से अधिक है यानी आपका इधर आपका लोड शिफ्ट है ना, तो इधर आपका बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। अच्छा, अब इस पर देखें टोटल कितने रिएक्शन होते हैं बाबू, फिक्स बीम में हम जानते हैं टोटल 6 रिएक्शन होते हैं। और हमारा जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, σH=0, σV=0, σM=0, इससे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि इस बीम पे क्या है, हॉरिजॉन्टल आपका क्या बोलते हैं कि लोड लगा ही नहीं है, इसकी वजह से आपका सिग्मा आपका यच लगेगा ही नहीं, और दोनों जो आपके रिएक्शन आएंगे, ठीक है, दो और जो रिएक्शन आएंगे वो भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब टोटल रिएक्शन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4। तो दो तो आपको इससे मिल जाएंगे, दो रिएक्शन तो आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, बचे दो और रिएक्शन MA और MB। उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एडिशनल इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोला मैंने, एडिशनल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। क्या होगा एडिशनल इक्वेशन, अभी हम समझाएंगे। अगर हम एडिशनल इक्वेशन जब बनाएंगे तो अगर एरिया मोमेंट मेथड से हम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर बीम का की जो मतलब SFD BMD या जो भी है एरिया मोमेंट मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं इस बीम को, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो a+a′=0, एक एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा होगा a×x′+a′×x′=0। इन्हीं दोनों इक्वेशनों की सहायता से हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, तो यही एडिशनल इक्वेशन होते हैं, इनकी सहायता से आपको बनता है। तो
बीम को सॉल्व करने कई तरीके हैं, लेकिन हम एरिया मूवमेंट मेथड से जो भी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ये आपका एक एक्सप्रेशन इसकी सहायता से मिलेगा, एक आपका इसकी सहायता से एक्सप्रेशन मिलेगा। इस तरह से बना के हम क्या करेंगे, बीम को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बीम को, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि फिक्स बीम को इनकेस्टर बीम के नाम से भी जानते हैं, बिल्ट इन बीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो आइए पहले हम इस बीम को क्या करते हैं, पहले हम इसका एफ बी डी डरा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, एफ बी डी डरा कर लेते हैं। आइए, अगर इसका एफ बी डी हम डरा करें तो ऐसे बनेगा एफ बी डी, ये ऐसे हो जाएगा, ए पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे होगा ये बी पॉइंट है। ठीक, यहीं पे आपका मोमेंट भी दिखाना पड़ेगा, ये एम ए है, ये हमारा क्या बाबू एम बी, एम बी हम जान रहे हैं क्या ग्रेटर देन है एम ए, क्योंकि लोड उधर ही शिफ्ट है तो उधर ज़्यादा बेंड होगी ना बीम। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, ये दूरी आपकी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक दूरी हमारी 6 मीटर है, कितनी बाबू 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 3 मीटर, और इस पे लोड कितना लगा दोस्त, 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। ठीक, आई बात समझ में। अब इसी बीम को हम दो बीम में तोड़ लेते हैं। तो देखो, अगर इसको दो बीम में आप तोड़ेंगे तो एक बीम आपकी ये बनेगी, इसको ये वाली बीम बनेगी सिंपली सपोर्टेड जैसी, ये हो गया बीम हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा लोड ये लग गया क्या 9 किलो न्यूटन का, 9 किलो न्यूटन का। जब ऐसे होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं यार रिएक्शन क्या होता है। इस कंडीशन हमने रिएक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा है, लोड इनटू ये वाली डिस्टेंस बट्टे ए प्लस बी, हमारे पास फार्मूला है, हमने एसएमडी बीएमडी में सीखा है कि अगर कोई एक्सेंट्रिक लोड लगा हो, क्या एक्सेंट्रिक लोड लगा हो तो आर ए क्या बन जाएगा बाबू, आर ए क्या बनेगा, यहाँ पर सॉल्व कर देना है, आर ए क्या बनेगा, लोड इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी देखो 3 मीटर, और बट्टे टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक सो 9 है, ये 6 है, इसलिए 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 कट जाएगा, आपको बचेगा 3 किलो न्यूटन, तो आर ए आपका मिल गया 3 किलो न्यूटन। ठीक, अब आपको आर बी निकालना है, अब आपको आर बी निकालना है, तो कोने में तो फार्मूला होता है आर बी बराबर क्या होता है 9 × 6 / 9, तो आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आर बी आपको मिल जाएगा 6 किलो न्यूटन। ठीक, ये रिएक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, तो आर ए और आर बी देखो हमने फाइंड कर लिया, बचे दो अननोन रिएक्शन, बचे दो अननोन रिएक्शन, तो उसी को ज्ञात करने के तरीके के लिए एरिया मोमेंट मेथड हम अभी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका हम अगर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, तो आप जानते हो पॉइंट लोड है तो आपको ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको प्लस से डिनोट कर देते हैं, तो इसका ये वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ से मैक्सिमम आपको जो है वो वैल्यू आपको जब सोम पढ़ाया था मैंने बताया है एसएफडी बीएमडी में कि डब्ल्यू ए बी अपान ए प्लस बी होगी। अब कहोगे ए बी क्या है सर, देखो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, ये आपका बी, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू है 9 × 1 = 6 × b = 3 / a + b मतलब 9 काट दीजिए 18 आ जाएगा, 18 किलो न्यूटन मीटर। तो यानी ये जो आपको जो आ गया यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं, तो ये हमारी बात आ गई 18 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट मिल गया, यानी ये हम मैक्स मिल गया। ठीक है, इसको हम दोस्त क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यू डायग्राम, क्या बोलते हैं म्यू डायग्राम। ठीक है, और इसका जो एरिया अभी निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ म्यू डायग्राम अभी निकाला जाएगा, इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है आपको सर। चलिए अब एक बात और सीखते हैं, अब देखो जो मोमेंट इस पे लगा हुआ था उसके कारण जो इसका मतलब फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, यानी फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम। ए पॉइंट था, इस पे ऐसे लगा हुआ था, हमें तोड़ रहे ना भी उनको दो भागों में, यहाँ पे आपका एम बी यहाँ पे लगा था,
अब इसका अगर फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम खींचा जाएगा दोस्त, तो आप जान रहे हो डायग्राम खींचने का तरीका आपको पता है, बीएमटी खींचने का तरीका पता है ना, जब बीम पे मोमेंट लगा हुआ हो उसे, तो आपको देखो यहाँ पे एंटी क्लाक वाइज है, इधर से सॉल्व करोगे तो एंटी क्लाक वाइज क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, क्लाक वाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो यह हमें आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, यहाँ पर जब आएगा ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी, या मैं इसे पहले निकालोगे तो ही रहेगा, फिर आपका मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या है, ये मैं को प्रदर्शित करेगी, यहाँ से ये वैल्यू क्या करेगी हमारी, ये मी को प्रदर्शित करेगी। थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ऐसे बना लेते हैं, तो आपको समझ में ज़्यादा आए। ये हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक एम बी, क्या होगा वो एम बी, ये हमारा क्या है एम बी, ध्यान देना बात को, ये डायग्राम जो आएगा कैसा आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा। अब हैच कर देते हैं इसको, तो ये हमारा ये एरिया बन रहा, देखो ये हैचिंग पोर्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, ये बी एम बी, इसको हम बोलेंगे क्या, म्यू डैश डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम, इसको भी एच कर देते हैं। चलो ये बन गया, अच्छा ये हमको बात समझ में आ गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ये बात सारी समझ में आएगी सर, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबू, चूंकि हमें एक दो रिएक्शन फाइंड हो चुके हैं और दो रिएक्शन बचे हुए हैं हमारे, एम डी के मान हमको जो ज्ञान नहीं, हमको ज्ञान नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशनल जो इक्वेशन है उसको लगाएंगे, एडिशनल इक्वेशन, एडिशनल इक्वेशन लगाएंगे। क्या पहला एडिशनल इक्वेशन क्या था बाबू, ए प्लस ए डैश बराबर जीरो, ए है क्या, ए है जो म्यू डायग्राम है उसका एरिया, यानी एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, और ए डैश क्या है, एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम। ठीक है, तो हम ए निकालते हैं, ए आओ ध्यान से देखना, अगर इसका एरिया निकालोगे, चूंकि त्रिभुजाकार शेप है, कैसा है त्रिभुजाकार शेप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टे दो आधार गुणे ऊंचाई, एक बट्टे दो आधार गुणे ऊंचाई, यानी वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा आपका, एक बट्टे दो इंटू आधार कितना बनेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये से बी के बीच की दूरी नाइन, इंटू ऊंचाई कितना होगी बाबू, अट्ठारह। फिर देखो ए डैश, ए डैश का देखो निगेटिव एरिया आएगा, क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो आओ दिखाते हैं, अगर हम यहाँ से इसको हल करें, देखो यहाँ से अगर हम पैरेलल लाइन खींचे, वैसे बनने पे क्या बन रहा था, ये ट्रॉपीजियम बन रहा था, क्या बन रहा था, ट्रॉपीजियम बन रहा था, चाहते थे हम ट्रॉपीजियम का भी लगा लेते, लेकिन हम तोड़ के हम लगाते हैं ए डैश को, तोड़ के लगाते हैं, और बताते हैं ए डैश को हम क्या तोड़ सकते हैं, ए डैश को हमने तोड़ा ए वन प्लस ए टू। अब इसको देखो यहाँ से हमने ये ऐसे कर दिया, मान लिया ये ए वन एरिया आ गया, ठीक ये आपका ए टू एरिया आ गया, ये आर लिख ले रहे हैं, ये टी स्क्वायर, यानी एक आपका एरिया जो बन रहा हो क्या, रेक्टेंगुलर बन रहा है, एक आपका क्या है ट्रायंगुलर बन रहा है, बन रहा है ना, यहाँ से देखो ये एरिया आपका रेक्टेंगुलर बन रहा है, जब हम ये रेड कलर की लाइन जो देख रहे हो खींचा, ठीक, और ये वाला आपका देखो आपका यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है। ठीक, अच्छा ये आपका एम ए, तो ए रेक्टेंगुलर वाले का ये एम ए हो गया, ये ऐसे अगर हम ए आर निकालते हैं तो ए आर क्या आ जाएगा, माइनस एम ए इंटू नाइन, यहाँ से आती दूरी कितनी है, नाइन है ना, अच्छा प्लस अगर हम ए टी निकालते हैं, यानी ट्रायंगल का एरिया, क्या ट्रायंगल का एरिया, दोनों निगेटिव है बाबू याद रखना, ट्रेंगल के एरिया निकालते हैं, माइनस हो जाएगा पहली बार, एक बट्टे दो बूढ़े आधार, आधार कितना हो गया नाइन, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई रूम कितना आएगी, चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा एम बी है, तो ये आएगी ऊंचाई क्या, एम बी माइनस एम ए,
एम बी माइनस एम ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वो एम ए, ठीक है, एम बी इंटू एम ए आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एम बी माइनस एम ए। ओके, ये समझ में आया, तो यही एरिया हम अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। और देखो दोनों माइनस में, ये बार प्लस किए भले थे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम कॉमन ले लें, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से आ जाएगा एम ए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया ना माइनस, ये दोनों माइनस था, 9/2 ब्रैकेट में एम बी माइनस एम ए। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात अब इसी को हम यहाँ रखने जा रहे हैं, तो देखो ये माइनस है ना, तो क्या एक लाइन करना चाहते हो, माइनस रखोगे बराबर जीरो, फिर उधर ले जाना ही पड़ेगा, तो हम बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है डायरेक्ट, तो ये अब माइनस है प्लस हो जाएगा हम सारी बातें, तो आपका आ गया एम ए इंटू 9, नहीं तो यहाँ पे एम ए इंटू 9, ठीक है, प्लस 9/2 और ब्रैकेट में क्या होगा वो एम बी माइनस एम ए। बोलो ये समझ में आया, ये समझ में आया, तो हमने सॉल्व किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, इसको हटा देते हैं, ठीक, ये समझ में आया ना, ई आर क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया, और ये क्या है आपका ट्रायंगुलर एरिया। आइए अब इसे सॉल्व करना, देखो इसे काट दिया मैंने, तो 9/81 आ गया बराबर, यहाँ से 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा एम ए प्लस, देखो 1/2 हो जाएगा क्या एम बी माइनस, 1/2 हो जाएगा क्या एम ए, ठीक। अब देखो ये माइनस ये आधा है, ये पूरा है, घटेगा प्लस आएगा, ठीक है, ये हल्का देते, ये देखो इससे काट दिए, ये 9 आ गया बराबर, क्या आया बचा आपका बाबू, आपका बचा एम ए बाई 2 और प्लस एम बी बाई 2। देखो ध्यान से इसको हमने इसके साथ लाए, तो आपका एलसीएम 2 होगा ना, या ये समझो ये एक पूरा है या आधा एम ए, तो घटेगा तो हाफ प्लस में ही तो आएगा। अब देखो यहाँ 2 आपका है, आपका यहाँ भी है, इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया कि नहीं, एम ए प्लस एम बी बराबर 9 × 18 बन गया, समीकरण 1 बना लिया। बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समीकरण 1 आ गया, ये समझ में आया दोस्त कि नहीं आया बताइए, ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 बना लिया हमने, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और बना बचा है एडिशनल इक्वेशन, ये पहला ही एडिशनल इक्वेशन में लगाया, ठीक है, अब इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, हो गया होगा, ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा एडिशनल इक्वेशन लगाते हैं, क्या था ये, इसको हम एक रहने देते हैं, ऊपर सॉल्व करते रहेंगे, ठीक, दूसरा एडिशनल इक्वेशन क्या था आपका, ए ए एक्स बार प्लस ए डैश एक्स बार बराबर 0, ये था, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ हमें यहाँ पे अगर निकाल लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या कि रखे रहें तो अच्छा, चलो ठीक वही कर लेंगे। देखो ए है कितना, ये है कितना, अच्छा इस त्रिभुज को भी देखो, ये भी 2 भाग में बढ़ गया, देखो बटेगा नहीं बटेगा, तो इसका अलग जी आएगा, इसको मैं आपको समझाने के लिए जीवन मान ले रहा हूँ, ठीक, ये वाली बोली, अब इसका अलग जी आएगा, इसका मैं यहाँ पे G2 मान ले रहा हूँ, समझाने के लिए ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह चाहिए, एरिया तो हम निकाल लेंगे अलग अलग, देखो इसका एरिया आप A1 हम मान लेते हैं, और इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बाबू। अब इस A1 का अगर एरिया निकाला जाए, यानी हमारा एक स्थान पे क्या हो जाएगा, एक स्थान पे हमारा A1 प्लस A2 यानी ये जो AX बार आया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 X1 बार, क्योंकि यहाँ से X1 बार आ जाएगा, और प्लस A2 X2 बार, इसमें तोड़ सकते हैं इसको से, फिर इसको देखो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये इसमें भी देखो 2 एरिया आया आपका, यहाँ से यहाँ तक, एक रेक्टेंगुलर बना, एक आपका ट्रायंगुलर बना, ठीक है,
रेक्टेंगुलर से आर से रिप्रेजेंट है इसलिए उसको ऐसे ही कर देते हैं, तो ए डैश आर इंटू यक्स डैश आर, इसका बीच में आएगा आप जाने रहे हो, इसका जो आएगा बीच में आएगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक्स वन किया तो यहाँ पे एक्स वन का आगे दे रहा हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इस वाले ए इंट से लेके जी टू तक का, और यहाँ पे क्या होगा यक्स टू बार दर्शा रहे हैं, क्या है यक्स टू बार दर्शा रहे हैं। अच्छा फिर प्लस इसी को तोड़ना है, देखो यहाँ पे अब यहाँ से देखा जाए इसका अपना जी आपका यहाँ कहीं आ गया, चलो माइनस डाल देते हैं यहाँ पे जी आपका मान लो, तो यहाँ से ये दूरी हमें पता चल जाएगी, ठीक है पता चल जाएगी। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं क्या ए टी डैश इंटू यक्स टी डैश, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया बराबर जीरो। इसका सारी चीज़ें निगेटिव आने वाली हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ये बात समझ में। अच्छा ये हमें पता है कि एम ए और एम बी क्या है आपका है 18 है, ठीक है इसको हम ऊपर बिठा के लिखते हैं, चलो ठीक है अभी नहीं लिखते हैं, अभी यहाँ से लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे अब ए वन अगर निकालते हो तो एक बट्टे दो तार गुणा ऊंचाई वाला मालूम रहेगा, तो ए वन कितना आएगा देखो यहाँ से यहाँ तक एक बट्टे दो, आधार कितना बनेगा 6 इंटू ऊंचाई कितनी होगी आपकी 18, ठीक ये हो गया। फिर गुणा करना है एक्स वन बार निकालना, देखो ध्यान से देखो थोड़ा यहीं पे समझाते हैं। देखो जब कोई त्रिभुज होता है ऐसे, ठीक है इसका जो जी होता है अगर ये पूरा आपका बी है, ये बी है और ये एच है, ठीक तो जी का यहाँ से यहाँ तक भी इसको आप टू बी वाई थ्री होगी और ये होती है वी वाई थ्री, वी वाई थ्री। ऐसे ही कोई त्रिभुज अभी हम बनाएंगे इसे इसके बगल वाले के लिए, तो यहाँ से ये जो दूरी होती है अगर मान लो ये बी है टोटल होती है बी बाई थ्री बोली जाती है, और इधर से आपका बी अपान टू बी अपान थ्री आती है, ठीक है ए सिद्धांत हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। देखो क्या लिया जब एक्स वन हमने बाहर निकाला, एक्स वन बाहर निकाला जा रहा है ना, एक्स वन बाहर निकाले देखो हम इसको अब मिटा देते हैं, याद यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें याद रहेगा पे क्या यम ए प्लस यम बी हमारा आया था कितना 18, अभी इसके जरूरत पड़ेगी समीकरण एक बना के छोड़े हैं अभी बात नहीं करेंगे, ठीक तो यहाँ पे एक्स वन कितना आएगा, तो एक्स वन बार कितना आएगा अगर हम एक्स वन बार की बात करें तो हमारा फार्मूला क्या है टू बी अपान थ्री, टू इंटू बी का मान कितना है यहाँ पे 6 है बट्टे 3, तो काट दोगे कितना आएगा 2 गुणे 2 मतलब 4 आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 6 बाई ये फार्मूले से हो रहा है भैया याद रखें, ठीक है इसको मिटा देते हैं। दूसरी बात क्या करूँ अब हम आएंगे ए टू पे प्लस देखो लिखेंगे, ठीक है हम मिडिल ब्रेकर बनाते हैं प्लस। अब देखो ये ए टू है, ए टू है तो ए टू कितना आएगा बताओ, इसका एरिया कितना आएगा देखो ये पूरा का पूरा 3 है, ऊंचाई आपकी वही है तो 1/2 इंटू 3 इंटू ऊंचाई भी 18 है, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक। अब इंटू करना किस में यक्स टू बार देखना है, देखो यक्स टू बार हमारा कहाँ से लिया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेना है, यक्स टू बार के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, अब ये क्या होगा बी अपान थ्री यानी बी को मतलब 3 का आधा यानी 1, ये देखो पूरा लिख रहे हैं 6 प्लस क्या आ जाएगा वो आपका 3/3 ताकि आप समझ सको, ठीक है ये मिल गया। फिर देखो आपका इसका इसको हम बराबर करके लिखते हैं क्योंकि बाबू देखो इसका सारा एरिया हमारा माइनस में आएगा, ठीक है तो बराबर करके लिखते हैं ना, तो उससे आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये हमने मिडिल ब्रेकर लगा दिया, ये पूरा इतने पोर्सन का नहीं ये एक बार तो हमने बात कर लिया, अब बराबर हम लिखने जा रहे हैं ध्यान देना बराबर बराबर क्यों, क्योंकि ये इसका निकालने जा रहे हैं जो आपका फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम है यानी यू डैश यू डायग्राम है उसका सारा चीज़ हम करने जा रहे हैं, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे रेक्टेंगल का देखेंगे, रेक्टेंगल के लिए ए डैश पहले ए डैश आर निकालें, तो यम ए आपका देखोगे इंटू दूरी कितनी यहाँ से लिखा वहाँ तक कितना है 9,
इसका एरिया आ गया माइनस में, अब देखो प्लस में लिखेंगे आएगा माइनस, तो बराबर लगा दिया ना इसलिए आपका प्लस में लिखेंगे। एक्स बार आधे पाएगा यानी इनटू इनटू कितना बाबू 9/2, फिर प्लस, अब जो त्रिभुजाकार जो आपका एरिया उसका निकाल लीजिए 1/2 आधार गुण 9 गुणे ऊंचाई कितनी है एम बी माइनस एम ए, ठीक है। इसका अगर हम क्या बोलते हैं ए टी एक्स बार निकालते हैं, देखो क्या होता है इंटू, देखो ब्रैकेट में लिखने जा रहे रेड कलर से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, जैसे अभी बताया है ना आपका कि 2L/3 होता है या 2B/3 होता है, ऐसे ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, टोटल लंबाई कितनी है यहाँ से वहाँ तक 9 है, 9/3 ये आ गया। फिर इसी को सॉल्व करो, देखो ये आपका इससे कट जाएगा या 9 आएगा तो 9 54 हो गया, देखना हो जाए 54 ये हो गया गुणे, ये देखो 3×9 3, 3×2 6 यानी 4, ओके धन। यहाँ देखो ये 2×9 2, 2×9 18, 9×3 27 हो गया गुणे, ये को 3×9 3×9 1 यानी 7 आ जाएगा, ठीक। फिर बराबर, फिर बराबर, अब गुणे यहाँ पे आपका देखो 9/2 यहाँ भी है, 9/2 यहाँ भी है, 9/2 काम हो गए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा आपका ये 9 9 MA प्लस प्लस अरे काम क्यों नहीं कर, चल ठीक प्लस 9×2 18 3 काट दो यार, 3×3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6×MB-MA बोलो बोलो समझ में आया। अरे भाई ये 9/2 यहाँ भी था, 9/2 यहाँ काम ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 9MA बचा है, 9MA हो गया, अच्छा इसमें देख रहे थे हम कामन वाला तो हो गया, अब इसमें देख रहे थे 2×9/3 बचा है, तो 3×3 6 हो गया और एम बी इंटू में, ठीक सही है। अच्छा अब देखो इस 9 से अगर चाहो तो इन सब में भाग कर दो, 9 से अगर इसमें भाग कर दो 9 से ये बताओ ये करेगा 9×5 9×6 54 6×4 24 आपका यहाँ मिलेगा धन। इसी 9 से जब इसमें भाग करोगे 9×3 27 यानी 21 हो जाएगा और गुणे आप क्या करिए 2 कर, देखो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया करिए, वैसे आपके पास कैलकुलेटर होगा, मेरे पास है नहीं, मैंने सॉल्व किया नहीं, ऐसे सॉल्व कर रहे ऐसे ऐसे लगा रहे। अब आपका क्या मिलेगा 9MA प्लस देखो 6 का गुणा करो 6MB-6MA, ओके अच्छा इन सबको जोड़ लो, जोड़ोगे देखो 5 और 4 54 आएगा, नहीं यार 5 4×45 आएगा गुणे 2 बराबर, देखो 9MA में से इसको घटाओ कितना आएगा 3MA, अरे भाई 9MA में से 6×3MA आएगा तो 3 कामन भी ले लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या एम ए और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2MB बचेगा, 3 कामन ले लिया ना। अब देखो इस 3 से इसको काट दो, 15×3 45 होता है, 3×3 15 आएगा यहाँ पे अब, ठीक और 15×2 30 हमें क्या मिला MA प्लस 2MB, MA प्लस 2MB बराबर क्या मिला बाबू 30, क्या मिला 30, हमने इक्वेशन इसको सेकंड बना दिया। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं दोस्त, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी सर, ठीक है ओके। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है, एक हमारा समीकरण यहाँ पर मैंने लिखा है, एक हमारा यहाँ पे, अब इन्हीं समीकरणों को हम हल करना, आप इसलिए साथ ले लीजिए, ले लिए होंगे सर, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला एक इक्वेशन ये वाला एम ए
प्लस एम बी बराबर 18। समीकरण एक ये है जो ए प्लस ए डैश से मिला था। अब ये आपका मिला क्या, एम ए प्लस 2 MB बराबर 30। एक इक्वेशन ये मिला जो हमारा क्या ए एक्स बार प्लस ए डैश एक्स बार डैश से मिला। ठीक है, एडिशनल जो इक्वेशन होता है इनको सॉल्व कर दीजिए। देखो दोस्तों घटा दीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस MB बराबर, यहाँ पे माइनस आएगा 12। ठीक, माइनस 12 आ गया। ओके अच्छा, तो माइनस 12 आ गया यानी आपको MB बराबर मिल गया क्या 12 किलो न्यूटन मीटर। MA चाहिए, यहाँ रख दीजिए समीकरण एक में, MA कितना मिल जाएगा देखो 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ये चीज़ हमको आ चुकी है, ये बात हमारी आ चुकी। बोलो ये बात समझ में आई बाबू, ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई होगी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो म्यू डायग्राम है और जो आपके म्यू डैश डायग्राम है इसकी हम सुपर इम्पोजिंग करेंगे, मतलब दोनों को हल करेंगे। ठीक है, सुपर इम्पोजिंग करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि सुपर इम्पोजिंग वाला डायग्राम यहाँ बना सके। ये जो MPD बना था उसको हम मिटा दें। चलिए अब इसकी सुपर इम्पोजिंग करते हैं। सुपर इम्पोजिंग वाला डायग्राम बनाते हैं इसका। चलिए दोस्त, अब हम सुपर इम्पोजिंग वाला डायग्राम इसका बनाते हैं। तो हमारा यहाँ से पहले रेक्टेंगुलर था, ये वाला नीचे वाला जो, ठीक, इसको हम बनाएंगे, है ना, यहाँ से बनाया जाएगा। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ठीक, चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से खींचते हैं लाइन ऐसे जाएगी। ठीक, अब ये वाला देखो, ये आपका ऐसे था और यहाँ से ये ऐसे था, थोड़ा बड़ा था ये ऐसे। MB का मान कितना 12 किलो न्यूटन मीटर। MA का मान कितना देखो 6 किलो न्यूटन मीटर ये है। ठीक, अब जब इसकी सुपर इम्पोजिंग हमने किया है, जब हमने इसका सुपर इम्पोजिंग हमने किया है इसका, तो आपका ये आपको जो मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये यू और यू, ठीक है, यू बनेगा। यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलत ये हुआ है कि ये जो डायग्राम हमने नीचे प्राप्त किया था ना, यही हमारा ऊपर प्राप्त हो जाता है। तो देखें, नहीं सही है यार, गलत मैं सोच रहा। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये कितना आपका टोटल, ये आपको 18 था, कितना था 18। ठीक है, अब क्या होगा, या फिर ये जो आपको आएगा ये हैश कर दिया मैंने, इसको हैश कर दिया मैंने, ठीक है, इसको भी हैश कर दिया, ये हमारा सुपर इम्पोजिंग का डायग्राम बन चुका है। सुपर इम्पोजिंग का डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हमें क्या मिल गया, BMD मिल गया। ओके, क्या मिल गया, BMD मिल गया। अगर इसका हम SFD खींचते तो कैसा बनता, अगर आप इसका SFD खींचते तो कैसा बनता, देखिए बाबू, इसका SFD खींचते तो ये लाइन खींचते आप, ठीक, यहाँ से ये क्या होता, रिएक्शन जो होता कितने का था, आपका रिएक्शन कितने का, रिएक्शन था 3 का ना, कितने का था 3 का,
तो थ्री का था तो आपका थ्री काट लेते, यहाँ से आपका ऐसे जाता, फिर आपका ऐसे ऐसे बनता। तो ये आपका जो BMD है वो इस शेप का बनता, बोलो समझ आया। ये आपका प्लस में होता, ये आपका माइनस में होता, ठीक। तो इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर एक्सेंट्रिक लोड लगा हुआ हो तो फिक्स बीम का SFD और BMD ज्ञात कर सकते हैं, फिक्स बीम का SFD और BMD ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम यहीं पे आपको एक चीज़ और निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, आप देखो यहाँ से ये माइनस में होगा यानी बीम में क्या होगा, हॉगिंग हो रहा होगा। ये आपका प्लस में होगा, इसमें सेगिंग हो रहा होगा, ये भी माइनस में होगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नत परिवर्तन बिंदु मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे BMD का मान जीरो हो गया, यहाँ BM का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पे लाइन खींचेंगे, सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। MB का मान बारह पता है, इसका भी मान हमें पता है, आर ए का मान पता है, आर ए बराबर क्या है, 9 × 6/3 यानी 6 किलोन्यूटन आया था ना लोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नत परिवर्तन बिंदु के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नत परिवर्तन बिंदु के लिए, ठीक। अब अगर नत परिवर्तन बिंदु के लिए बात किया जाए तो आप देखो बीम को काटेंगे, आप ऐसे देख रहे हैं बी पॉइंट पे एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा है 6 किलो न्यूटन, दूरी कितनी ये ली जाएगी बाबू, यक्स ली जाएगी, कितना ली जाएगी, यक्स ली जाएगी, ओके। अब आपका इसी पे मोमेंट लगा है 12 किलो न्यूटन मीटर का, यहाँ पर आप मोमेंट निकाल लीजिए एम यक्स बराबर, इधर से निकालना है क्लाक वाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस 12 और प्लस 6 × x, ये तो 6 × x। अब आप बताइए मुझे, ये चूंकि मोमेंट आपका जीरो होगा नत परिवर्तन बिंदु, इसलिए जीरो बराबर, तो 6x बराबर हमारा आएगा 12, x बराबर 12/6 मतलब 2 यानी 2 मीटर दूरी पे नत परिवर्तन बिंदु की स्थिति होगी। नत परिवर्तन बिंदु की स्थिति कितनी पे होगी, 2 मीटर की दूरी पर, ठीक। ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी, ठीक। तो आपको फिर भी में कोई क्वेश्चन हो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम पे बनाएंगे। अगर फिक्स बीम में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो उसे आप मुझे बताइएगा और उसको हम लगा के वीडियो अपलोड कर देंगे, ओके। लेकिन कल हम पढ़ाएंगे आपको क्या, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।